नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। इरफान खान की अपकमिंग फिल्म कारवा का रिव्यू आ चुका है। फिल्म में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे इरफान खान, दलकीर सलमान, मिथिला पारकर जैसे मंझे हुए सितारे हैं। अगर आप कारवा देखने का मन बना रहे हैं तो पहले रिव्यू देख लीजिए। कारवा एक कॉमेडी फिल्म है जो दर्शकों को काफी हंसाती है। फिल्म में तीन अनजान लोगों की कहानी है जो एक यात्रा पर निकलते हैं। फिल्म में इरफान और दलकीर डेड बॉडी की तलाश में निकलते हैं, जहां उनकी मुलाकात मिथिला से होती है। कारवा फिल्म की कहानी तीन ऐसे अनजान लोगों के आसपास घूमती हुई नजर आ रही है, जिनके अनजाने में एक दूसरे से मुलाकात होती है और तीनों ही जीवन के अलग अलग पहलुओं से वाकिफ रखते हैं, लेकिन इनका नसीब इन्हें एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। फिल्म को केरला के खूबसूरत इलाकों में फिल्माया गया है। फिल्म में इन खूबसूरत इलाकों को देखकर आपको काफी अच्छा फील होगा। फिल्म की कहानी के अलावा आपको ये भी बता दे कि इरफान खान की कारवा से साउथ सिनेमा के स्टार दलकीर सलमान बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक्ट्रेस मिथिला पालकर कारवा में पहली बार लीड रोल में नजर आने वाली है। अगर एक्टिंग की बात करें तो सभी जानते हैं कि इरफान खान काफी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन यहां पर दलकीर सलमान और मिथिला पालकर की अगर एक्टिंग की बात करें तो दोनों ने काफी अच्छी एक्टिंग की है। दोनों अपने रोल में बिल्कुल फिट नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म को काफी जगह से अच्छी रेटिंग मिली है, तो देर किस बात की, आप भी जाइए और फिल्म देखिए। बहरहाल हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।